Hello everyone, good morning to all of you. Welcome to our YouTube channel Dr. Vijay Sanjan Classes. दोस्तों, यदि आप कौन बनेगा करोड़पति और द बिग पिक्चर शो की उसकी तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं कुछ जनरल नॉलेज और कुछ करेंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. तो चलते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं. पहला क्वेश्चन है, हु वॉन फर्स्ट गोल्ड मेडल फॉर इंडिया इन 2020 टोक्यो पैरालंपिक गेम्स. टोक्यो पैरालंपिक खेलों में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? ये है हमारी अवानी लेखरा. इन्होंने वुमेन्स 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है. ये पहला गोल्ड मेडल था इंडिया के लिए. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. हु वॉन सेकेंड गोल्ड मेडल फॉर इंडिया इन 2020 टोक्यो पैरालंपिक्स गेम्स. दूसरा स्वर्ण पदक किसने जीता है? देखते हैं इसका आंसर कौन है, क्या है. सुमित एंटिल जैवलिन थ्रो F64 कैटेगरी में गोल्ड जीते हैं, जो इंडिया के लिए दूसरा गोल्ड मेडल है. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. थर्ड क्वेश्चन, हु वॉन सिल्वर मेडल फॉर इंडिया इन 2020 टोक्यो पैरालंपिक्स गेम्स इन जैवलिन थ्रो F46, यानी कि F46 कैटेगरी में किसने सिल्वर मेडल जीता है? ये हैं देवेंद्र जाजेरिया. ये इन्होंने F46 कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल किसने जीता है? तो ये सुंदर सिंह गुर्जर ने F46 डिस्कस थ्रो में ब्रॉन्ज मेडल जीता है. ब्रॉन्ज मेडल. हु वॉन सिल्वर मेडल फॉर इंडिया इन 2020 टोक्यो पैरालंपिक गेम्स इन डिस्कस थ्रो में सिल्वर मेडल कौन जीते हैं? ये हैं योगेश कठुनिया F56 कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट द माई पैड माई राइट्स प्रोजेक्ट वॉज इनोग्रेटेड. किस राज्य में माई पैड माई राइट्स परियोजना का उद्घाटन किया गया है? ये है त्रिपुरा. त्रिपुरा में एक गाँव है किला विलेज, गोमती डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पे हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने इसका इनोग्रेशन किया था. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ CISF. CISF के अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये है नीना सिंह. 1989 बैच IPS ऑफिसर है, राजस्थान कैडर की, बेस के लिए बिहार दरभंगा की है. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बिकम द न्यू आर्मी चीफ ऑफ नेपाल. नेपाल के नए सेना प्रमुख कौन बने हैं? ये है प्रभु राम शर्मा. ये 9 सितंबर से अपने कार्यभार संभालेंगे. नाइन्थ क्वेश्चन, हु हैज लॉन्च द प्रोग्राम बी इंटरनेट ऑसम कार्यक्रम जो प्रोग्राम है किसने शुरू किया? तो इस प्रोग्राम की शुरुआत गूगल ने किया है, अमर चित्र कथा के पब्लिशर के साथ पार्टनरशिप में. इसमें बच्चों के इंटरनेट सेफ्टी का ध्यान रखा जाएगा. हु हैज बीन अपॉइंटेड एज इट्स एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बाई RBI. आरबीआई द्वारा किसको कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है अजय कुमार. एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में इनको नियुक्त किया गया है. ये RBI में करेंसी डिपार्टमेंट को देखेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सरकार के देश के मेंटर्स कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर कौन होगा? इसके बारे में आपने टीवी पे देखा होगा, न्यूज सुना होगा. ये है सोनू सूद, जो दिल्ली गवर्नमेंट के देश के मेंटर प्रोग्राम को ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज टेकन ओवर द चार्ज एज द चेयरपर्सन ऑफ स्टॉप टीवी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो ये है हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मंडाविया. इससे पहले ये अध्यक्ष डॉक्टर हर्षवर्धन थे, जो पहले हेल्थ मिनिस्टर थे. अब इन्होंने कार्यभार संभाला है, इनको अध्यक्ष बनाया गया है. ये एक यूनाइटेड नेशन का प्रोग्राम है, जिसके तहत यूनाइटेड नेशन ने एक लक्ष्य निर्धारित किया है कि 2030 तक ट्यूबरक्लोसिस को खत्म कर दिया जाए. ये एक बीमारी है, जानलेवा बीमारी होती है, लेकिन इंडिया ने अपना लक्ष्य 2025 तक का ही रखा है. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. अ बुक टाइटल एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट ऑथर्ड बाई
ये जो बुक है, बुक टाइटल एक्सलेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट, किसके द्वारा लिखी गई है? तो एक हमारे यूनियन, फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर हैं केजे अल्फोंस, उनके द्वारा लिखी गई है और पहली कॉपी नरेंद्र मोदी जी को दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और बुक टाइटल कमला हैरिस एंड द राइज ऑफ इंडियन अमेरिकन, ऑथर्ड बाई, तो कमला हैरिस एंड द राइज ऑफ इंडियन अमेरिकन नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये पुस्तक तरुण बसु के द्वारा एडिटिंग की गई है और इसमें ये दिखाया गया है कि जो इंडियन अमेरिकन है कमला हैरिस के बारे में, कि उन्होंने कैसे स्ट्रगल कर वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट तक पहुंची है, सारी कहानी इसमें लिखी गई है। क्वेश्चन 15, बार्सिलोना ओपन शतरंज का खिताब किसने जीता है? हु वॉन द बार्सिलोना ओपन चेस टाइटल? ये हमारे ग्रैंड मास्टर एसपी सेतुरामन, इन्होंने जीत रिसेंटली जीता है। ये पिक्चर ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज डिस्कवर्ड द केप रूट फ्रॉम यूरोप टू इंडिया? यूरोप से भारत के लिए केप रूट की खोज किसने की थी? तो ये आप लोग सब लोग जानते होंगे, जो पहले पुर्तगाली जो इंडिया आए थे वास्को डिगामा, उन्होंने ही खोज की थी। और ये उस समय जो पुर्तगाल के किंग थे, किंग मैनुअल फर्स्ट, उन्होंने इनको भेजा था इंडिया की तरफ, इंडिया की खोज करने के लिए। इनका ये फर्स्ट ये जो शिप्स आए थे उसके बारे में आगे पढ़ते हैं। वास्को डी गामा ने 4 जहाजों के साथ भारत की अपनी पहली यात्रा शुरू की। तो आप बताना ये कि उसने किस जहाज की कमान संभाली, से याद है कि उस किस जहाज के कैप्टन थे? तो वास्को डी गामा सौ गैब्रियल जो शिप था उसके कैप्टन थे और उसकी कमान उनके पास थी। इस वॉयज में, इस यात्रा में इनके साथ इनके भाई पॉलो डेगामा भी थे, जो 100 रफाल के कैप्टन थे। वो अलग शिप पे थे और 2 शिप और थी, एक बैरियो थी और चौथा कार्गो शिप थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये दोनों शिप का नाम याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। 18th क्वेश्चन, हु वाज पोर्टुगीज गवर्नर इन इंडिया हु कैप्चर्ड गोवा फ्रॉम रूलर ऑफ बीजापुर एंड इंट्रोड्यूस्ड द पॉलिसी ऑफ इंपेरियलिज्म? भारत में पुर्तगाली गवर्नर कौन था जिसने बीजापुर के शासक से गोवा पर कब्जा कर लिया और साम्राज्यवाद की नीति की शुरुआत की? तो ये थे अल्फांसो दो ऑल्विक्यूर के, ये इंडिया में पुर्तगाल की तरफ से सेकेंड गवर्नर थे। और जब उन्होंने गोवा पे कब्जा किया तो वहाँ के फर्स्ट ड्यूक थे और इन्होंने ही शुरुआत की थी पॉलिसी ऑफ इंपेरियलिज्म की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, वॉज फाउंड बाई अ ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स नोन एज द डैश इन 1600 AD में। यानी जो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो गठन हुआ था वो व्यापारियों के समूह के द्वारा किया गया था 1600 ईस्वी में। उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसको जानते हैं, उसको उसका नाम था मर्चेंट एडवेंचर्स। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फॉलोइंग ब्रिटिश एक्सप्लोरर एंड एडवेंचर एंड वन ऑफ द फर्स्ट टू मेक एन ओवरलैंड जर्नी टू इंडिया? ध्यान रखिएगा, यहाँ पूछा जा रहा है ओवरलैंड जर्नी, क्योंकि जो शिप से आए थे पहले अंग्रेज, जो जहांगीर के कोर्ट में आए थे, हॉकिंस थे और हेक्टर शिप से आए थे, वो कैप्टन भी थे अपने शिप का। लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है ओवरलैंड जर्नी सबसे पहले किसने की थी? तो ये थे बी जॉन मिल्डेनहल, जो इनसे बहुत पहले ओवरलैंड आए थे और अकबर के कोर्ट में अकबर से मिले भी थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, लास्ट क्वेश्चन था, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। हु अमंग द फॉलोइंग यूरोपियन फोर्स टू सेल ऑल देयर सेटलमेंट इन इंडिया टू द ब्रिटिशर? हुआ क्या था कि ब्रिटिशर के आने से पहले भी कुछ यूरोपियन लोग इंडिया में ट्रेडिंग कर रहे थे। तो आपको ये बताना है कि कौन थे जिनको ब्रिटिशर ने फोर्स कर दिया था अपना सामान बेच के चले जाने के लिए। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। ओके, लास्ट, अच्छा, टोक्यो पैरालंपिक्स 2021 का ये अपडेट है कल तक का, यानी 31 अगस्त तक का। 31 अगस्त तक हमें 2 गोल्ड, 5 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मिला है। 7 तो 30 अगस्त तक हो गए थे और 31 को 3 मेडल और मिले हैं, जिसमें मरियप्पन
और शरद कुमार को मेंस हाई जंप में सिल्वर और ब्रॉन्ज मिला है, मरियप्पन जी को सिल्वर और शरद कुमार को ब्रॉन्ज मेडल मिला है, और शूटिंग में सिंहराज अडाना को ब्रॉन्ज मेडल मिला है शूटिंग 10 मीटर एयर पिस्टल में। और ये थोड़ा अपडेट है पैरालंपिक के बारे में। इस पैरालंपिक जो ये जो पैरालंपिक है ये 16th समर पैरालंपिक्स गेम्स है, इसमें 54 इंडियन एथलीट्स भाग ले रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू।